विद्युत चुंबकीय चुंबकीय वस्तु के कांतीय बल के रेखाओं की चालकता, यानी कि चालकता कितना है जो काम करती है चुंबकीय परिपथों में, उसको आप लोग क्या कहते हो? पारगम्यता। अगला है नारंगी लाल भूरा स्वर्णिम रंग वाले बैंड वाले कार्बन का प्रतिरोध क्या होगा? तो बीबी रोए से आप इसको करके देख सकते हो। नारंगी जो होगा उसको आप ऑरेंज कलर को बोलोगे, तो जीरो से स्टार्ट करोगे तो चार जो होगा नारंगी, नारंगी ऑरेंज को बोला जाता है, तो तीन आएगा यहाँ पे पहला बैंड जो होगा, फिर लाल दे रखा है तो लाल कितने नंबर पर आएगा? दो पर होगा। फिर अगला दे रखा है भूरा, तो ब्लैक ब्राउन, ब्राउन दे रखा है तो इसका मतलब 10 की पावर कितनी आएगी? एक होगी। और फिर स्वर्णिम दे रखा है मतलब गोल्डन कलर दे रखा है, तो 320 प्लस माइनस 5% होगा, यहाँ इसका सीज होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज को परिपथ में किस प्रकार से संयोजित करना चाहिए? तो फ्यूज को हमेशा सीरीज जो होता है, यानी कि फेज जो चालक होगा उसके सीरीज में मतलब क्या करना चाहिए? हमेशा जोड़ना चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से, इस तरीके से। तो यहां अगर तो आप लोगों ने यहां जोड़ दिया तो भी ये काम करेगा, लेकिन होगा क्या कि ये सर्किट देखो, यहां अगर आपने फेज दिया तो ये उड़ेगा, तो यहां क्या होगा? फेज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने यहां फेज दे, यहां अगर न्यूट्रल के साथ इसको जोड़ दिया तो ये फ्यूज उड़ेगा यहां से, लेकिन इस समय भी यहाँ क्या होगा? फेज होगा, तो अपने ही नुकसान हो सकते हैं। जैसे स्विच वगैरह के अंदर आपने सुना होगा कि आपने करते पढ़ा भी होगा कि हमेशा फेज के साथ क्या करना चाहिए, उसको कनेक्ट करना चाहिए। अगला है MCCB का पूरा नाम क्या है? तो मोल्डेड क्या है सर्किट ब्रेकर, जो इसका राइट आंसर होगा। अगला है BIS के अनुसार अर्थिंग के लिए कौन सा तार का प्रयोग किया जाता है? तो अर्थिंग के लिए आपको पता है ग्रीन कलर जो होगा उसको प्राथमिकता दी जाती है, सिंबल होता है ये ताकि आपको पता चल सके ये अर्थिंग का वायर है। अगला, लेड एसिड बैटरी में चार्जिंग के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो चार्जिंग जब होगी तो इसमें हाइड्रोजन गैस होती है, वो बाहर निकलती है। अगला, 120 एम्पीयर घंटा क्षमता वाली बैटरी जो 8 एम्पीयर के लिए धारा कितनी देगी? तो अपने को घंटे निकालने थे, 120 को 8 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 15 घंटे, जो इसका राइट आंसर होगा। अगला, एक 50 माइक्रोफेरेड का संधारित्र है जिसको आप 200 वोल्ट का क्या करते हो? सप्लाई देते हो, तो ऊर्जा क्या होगी? तो आप लोगों को क्या दे रखी है? C का मान 50 माइक्रोफेरेड है, वोल्टेज का मान यहाँ कितना दे रखा है? 200। एनर्जी पूछा तो A1 अपॉन में 2 के, ये क्या होगा? C स्क्वायर होगा, तो इसका मान 50 है, माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस 6 होगा, 200 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? ऐसा आएगा 200 × 200 कितना आएगा? 4 × 0 होगी। तो यहां से इसको आप लोग काट सकते हो, यहां से इसको काटोगे तो ये 220 हो जाएगा, यहां कितना आ जाएगा? तो इनको जब आप हल करोगे तो ये इसको फिर वापस करोगे तो ये 10 की पावर ऊपर प्लस बनेगी, नीचे माइनस बनेगी, तो 1 जूल यहां क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दंड चुंबक, यानी कि कोई भी बार मैग्नेट है छड़ जो है, उसके जो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो कैसे चलती है? चारों ओर, यानी कि बाहर पूछ रहा है आपसे, तो बाहर आपको पता है चुंबक जो होगी N से क्या चलती है, जैसे ये मैग्नेट है और यहाँ N है और यहाँ क्या S है, तो मैग्नेट जो कि उसमें चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? बाहर N से S की ओर चलती है, जबकि अंदर S से N की ओर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिष्ठम, प्रतिष्ठम का जो मात्रक पूछा गया, तो जिस प्रकार से धारा होती है वोल्टेज होता है उसी प्रकार से क्या होता है प्रतिष्ठम का मात्रक क्या होगा? R बराबर V अपॉन में आई होगा, यहाँ क्या होगा? RM आ जाएगा चुंबकीय परिपथों में, यहाँ MMF आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? फ्लक्स। इसका एम्पीयर टर्न होगा, इसका वेबर होगा, तो एम्पीयर टर्न प्रति वेबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कैसे होती है? तो FR बराबर 1/2 LC होगा। अगला, एक प्रत्यावर्ती धारा जो होती है उसको आप क्या क्या करते हो? तीर की सहायता से रिप्रेजेंट करते हो, तो आप उसकी दिशा भी बताते हो, तो ये क्या बताता है? तो ये आप बता रहे हो कि वो अल्टरनेटिव करंट है, मतलब अल्टरनेटिव राशि जिसका मान क्या बदल रहे हैं। अगला, एन टाइप जो पदार्थ है उसको तैयार करने के लिए कौन से पदार्थ के शुद्धि को मिलाया जाता है? तो ये मैंने बताया था नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो यार देखो ये तीनों जो ना, ये दो तो किस में होते हैं? पी टाइप के लिए, जबकि इसका किसी में नहीं होता आर्सेनिक, इसका राइट आंसर होगा। अगला, जनरेटर डायोड में उत्क्रम भंजन प्रक्रिया को क्या कहते हो? इसको एवलांस ब्रेकडाउन कहा जाता है, तो यहाँ इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा, एवलांस ब्रेकडाउन। अगला, 5 एम्पीयर है, 100 वाट से कम है, प्रकाश बिंदुओं की संख्या पूछे,
तो 5 एम्पियर का जो सर्किट जो होता है 800 वाट से कम होता है, ये लाइटिंग सर्किट होता है, उसमें भोग बिंदुओं की संख्या 10 होनी चाहिए सूचक उपयंत्रों में संकेतक को चलाने के लिए। तो देखो टॉर्क 3 प्रकार के होते हैं, जो पॉइंटर को यहां से यहां तक लेकर के आएगा उसको क्या बोलते हो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, वापस यहां लेकर के आएगा उसको कंट्रोलिंग, और जो कंपन मुक्त करेगा उसको क्या बोलते हो डैम्पिंग टॉर्क। तो यहां आपका जो जो होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा वो क्या होगा राइट आंसर होगा। अगला डीसी जनित्र के अंदर आपको ईएमएफ की समीकरण पूछा है, तो ईएमएफ की जो समीकरण जो होगी ना वो क्या होगी फाइव जेड एन पी अपॉन में क्या होगा 60 ए होगा, अगर एन का मान गया आरपीएम के अंदर है, अगर आरपीएस में होगा तो यहां 60 नहीं आएगा, तो आरपीएम में दे रखा तो इसका पहला जो होगा राइट आंसर होगा। अगला है कौन सा जनित्र सभी लोड पर स्थिर वोल्टेज देता है, ये सभी को पता होना चाहिए। तो यहां आपको देखो शंट नहीं दिया तो लेवल कंपाउंड दे रखा, तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा लेवल कंपाउंड जो होगा राइट आंसर होगा। अगला डीसी शंट मोटर का इस्तेमाल पूछा गया, तो इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में सीरीज का इस्तेमाल होता है, इसमें भी सीरीज का इस्तेमाल होता है एस्टकोन के अंदर, और स्टार्टिंग टॉर्क की जहां आवश्यकता होती है वहां भी सीरीज होते हैं, मशीन टूल जो होते हैं वहां शंट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला 2 वाट मीटर भी दिए, 3 फेज में पावर क्या होगी, तो 3 फेज में जो पावर होगी दोनों 2 वाट मीटर आपने जोड़ रखे तो दोनों का जो जोड़ होगा ना वही क्या होगा यहाँ टोटल पावर होगी। अगला ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी टर्नों को 2 गुना कर दें और प्राथमिक वोल्टेज को आधा कर दें तो ईएमएफ क्या होगा। तो देखो आप काम क्या कर रहे हो कि सेकेंडरी में टर्नों की संख्या डबल करोगे तो उसमें फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, वोल्टेज आधी करोगे तो इसका मतलब क्या होगा ये वोल्टेज वापस क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, इसका मतलब जो वोल्टेज पहले ले रहे थे उसी के बराबरी आपको क्या मिलेगी वोल्टेज मिलेगी, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। अगला स्कॉट कनेक्शन में किसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि स्कॉट कनेक्शन का इस्तेमाल क्यों करते हो, तो स्कॉट कनेक्शन जो होता है वो 3 फेज को 2 फेज में बदलने का काम करता है, तो यहां आपका जो राइट आंसर क्या होगा 3 चरण आपूर्ति को क्या करोगे 2 फेज आपूर्ति में बदलने के लिए काम करोगे। अगर ट्रांसफार्मर में नमी को रोकने के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल करोगे, सभी को पता होगा सिलिका जेली का इस्तेमाल किया जाता है, और नमी युक्त यह होती है नीली और शुष्क अवस्था में क्या होगी हल्की गुलाबी या सफेद होगी। अगला है जल विद्युत, यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं वहां जो आप अल्टरनेटर इस्तेमाल करते हो वो कौन सा होता है, तो वहां सेलेंट बोलो इस्तेमाल किया जाता है, बी जो इसका राइट आंसर होगा। अगला है एक इंडक्शन मोटर में रोटर की आवृत्ति, तो रोटर फ्रीक्वेंसी होती है ना वो देखो किसके बराबर होगी, तो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्लिप इनटू क्या होती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, तो यहां आपका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। फिर एक 4 पोल डीसी मशीन में कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होगी, तो इसका मैं फार्मूला बता देता हूं कैसे होगा, कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री होगी 180 इंटू क्या होगा पोलों की संख्या, ये आपको डीसी जनरेटर जब मैं पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा किस तरीके से इनको किया जाता है या वाइंडिंग में आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पोल आपको 4 दिया तो 18 चौके 72 720 होगा आपका राइट आंसर होगा, यहाँ नहीं है तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा तो 720 राइट आंसर होगा। अगला एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में जो रोटर बार जो होता है उसको तिरछा रखा जाता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है तिरछा, तो ये आपको पता है स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है ना उसको बढ़ाने का कार्य करता है, तो बी यानी कि यहाँ आपको क्या करें गलत सुनना है, यानी कि गलत सुनना है, कोगिंग को भी रोकता है मतलब जकड़न जो नहीं होती स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ाने का कार्य करता है, और चुनके जो हमिंग जो होती है शोर जो होता है उसको भी कम करेगा, एक समान टॉर्क उत्पन्न नहीं करता, तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा बी होगा। आपको पूछा गया सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है, जब सिंक्रोनस मोटर जो होती है उसको नो लोड पर जब चलाया जाता है ओवर एक्साइटेड की कंडीशन के अंदर तब उसको सिंक्रोनस कंडेंसर कहा जाता है, तो यहाँ यांत्रिक लोड के बिना ये राइट आंसर होगा सी। अगला निम्न में से कौन सी मोटर जो होगी वो अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क देती है, तो यूनिवर्सल मोटर जो होगी वो अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क क्या करती है प्रदान करती है। अगला लो टेंशन की जो प्रयोग की जाती है उनमें चालक का व्यास किस पर निर्भर करता है, यहाँ तो केबलर होगी उनका साइज होगा वो धारा की मात्रा जो होगी उस पर क्या करेगा निर्भर करेगा। अगला है न्यून साइन ट्यूब के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टेज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हरियाणा लाइन में भी क्वेश्चन आया था, जो ट्यूब की जो लंबाई जो होती है ना जो आप लोग न्यून साइन लैंप ये वोल्टेज पर डिपेंड करती है, और इसका जो व्यास होगा वो धारा पर डिपेंड करेगा, और ये कौन सा कलर देगी ये कलर किस पर निर्भर करेगा प्रदीप्ति जो मटेरियल आपने इस्तेमाल किया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ आपसे लंबाई पूछा गया या प्रचालन वोल्टेज पूछा गया तो वो लंबाई के ऊपर डिपेंड करेगी। अगला निम्न में से कौन सा है जो एसी से डीसी में जब चेंज करता है तो सबसे अधिक दक्षता देता है,
तो मर्करी आर्क रेक्टिफायर जो होता है वो सबसे अधिक दक्षता देता है और सबसे कम पूछा जाता है, तो एमजी सेट होता है। अगला क्लास बी में आउटपुट धारा क्या होती है, तो क्लास बी में जो आउटपुट जो मिलता है ना अपने को वो आधे चक्कर के दौरान मिलता है। इसका मतलब आधा चक्कर कितने डिग्री का होगा, 180 का होगा, तो आधी इनपुट साइकिल होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला एस सी आर जो सार्थक धारा जो होती है वो कब स्टार्ट होगा, मतलब जो एस सी आर जो होगा ऑन कब होता है, तो एस सी आर में मैं आपको बता देता हूँ, ये P1 हो गया, ये N1 हो गया, ये P2 हो गया, यहाँ फिर क्या हो गया, N2 हो गया, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, यहाँ से गेट निकाला जाता है, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तभी ये क्या करेगा, तीनों जो यहाँ दिए जंक्शन है एक दो और तीन, ये जंक्शन टूटेगी तभी ये क्या करेगा, धारा जो होगी एनोड से कैथोड की ओर प्रवाह करेगा। तो यहाँ एनोड और गेट दोनों क्या होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए। अगला हाई हेड तथा निम्न स्त्राव के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो तीन प्रकार की टर्बाइन होती है, पेल्टन होती है, फ्रांसीसी होती है, कापलान होती है। तो पेल्टन जो होती है वो हाई हेड टर्बाइन कहलाती है, इसका सिर जो 120 मीटर से अधिक होता है, और जो कापलान होती है वो निम्न शीर्ष होती है, और फ्रांसीसी होती है वो मध्यम हेड होती है। तो पेल्टन व्हील इसका राइट आंसर होगा। अगला ट्रांसफार्मर में नो लोड परीक्षण किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो नो लोड जो होता है वो चुंबकीय धारा कितनी ले रही है, इसके अलावा जो है वो नो लोड पर क्या करती है, तांबा आने की लो आने कितनी हो रही है, उसको जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला आरएलसी सर्किट के अंदर उन्नाद पर पावर फैक्टर पूछा गया, तो उन्नाद जो होगा उस पर पावर फैक्टर हमेशा क्या होगा, एक होगा। अगला निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बाकी जो चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करते हैं, लेकिन टोस्टर जो होता है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, उसमें सिद्धांत पर। अगला चार एक मिली हेनरी प्रेरकों को समांतर में जोड़ा गया है, इस संयोजन को श्रृंखला में दो मिली हेनरी वाल के प्रेरकों से जोड़ा गया है, तो मतलब है इस तरीके से ये, और इनको क्या किया गया, इस तरीके से श्रेणी में जोड़ दिया, तो ये सभी एक एक मिली हेनरी के हैं, तो इनका तो पॉइंट 25 आ जाएगा, और ये एक होगा, ये एक होगा, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, दो, और टोटल कितना हो जाएगा, 2.25। तो यहाँ इसका जो सी जो है वो क्या है, राइट आंसर होगा। अगला है कि एक संरक्षण धारा ट्रांसफार्मर जो होता है सिटी का जो बोझ होता है, यानी सिटी की रेटिंग इसमें लेते हो, वोल्ट एम्पियर में ले जाती है, सदैव श्रेणी में जोड़ा जाता है इसको लाइन के। अगला है समकालिक मोटर में स्टेटर बैक ईएमएफ का परिमाण किस पर निर्भर करता है, सिंक्रोनस मोटर में बैक ईएमएफ का जो परिमाण होता है वो जो रोटर को डीसी एक्साइटेशन दिया जाता है उस पर डिपेंड करते हैं, तो सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला नो लोड की स्थिति में अति उत्तेजकता से चालित है, यानी कि जो सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो नो लोड की कंडीशन में और ओवर एक्साइटेड है, तो उस समय जो उसका जो बैक ईएमएफ जो होगा ना वो जो सप्लाई वोल्टेज से क्या होगा, आगे होगा। इसका मतलब क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर मोटर क्या करती है, सप्लाई देने का कार्य करती है, तो यहाँ आपका डी जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला आठ बोल है 450 आरपीएम पर घूम रहा है और उसकी फ्रिक्वेंसी पूछा है, तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी का जो फार्मूला होता है, तो यहाँ आठ पोल दे रखे हैं, 750 दे रखा है, 120 है, तो आप इसको काटोगे तो दो आएगा, तीन आएगा, इसको करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ आपका 50 है, जो क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, गति नियंत्रण के लिए ध्रुव परिवर्तन विधि को निम्न में से किसमें अपनाया जाता है, तो पोल चेंजिंग जो मेथड जो होता है वो आपसे पूछा गया किसमें अपनाया जाता है, तो पोल चेंजिंग मेथड जो होता है सिंक्रोनस मोटर में अपनाया जा सकता है, इसके अलावा सिंक्रोनस मोटर में नहीं अपनाया जा सकता क्योंकि सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर और रोटर में पोलों की संख्या बराबर होनी चाहिए, स्लिप रिंग के लिए बराबर होनी चाहिए, और जो सिंगल फेज होता है उसमें रोटर पर पोल नहीं होते, तो स्क्वायर गेज होगा वो आपका राइट आंसर होगा। अगला 1000 वाट का हीटर 240 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया, हीटर में धारा पूछा है, तो धारा क्या होती है, पी का मान दे रखा है, वी का मान दे रखा है, तो पी बराबर क्या होगा, वी आई होगा, तो यहाँ आपसे आई का मान पूछा है, तो पावर का मान कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है, और इसका मान कितना दे रखा है, 240, इसको काट दोगे तो यहाँ कितना आएगा, 50, इसका आ जाएगा 12 × 48, यानी 4 समथिंग आएगा, तो 4.166 जो होगा राइट आंसर होगा। अगला एक ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट में धारा प्रवाह नहीं होता, तो प्रतिरोध क्या होगा, अनंत होगा, धारा क्या होगी, शून्य होगी। अगला अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर के बारे में पूछा कि क्या होता है, तो अर्थ लीकेज जो होता है ना वो धारा
फेज और जो न्यूट्रल होता है इन दोनों के बीच में धारा के अंतर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यानी कि अवशिष्ट धारा युक्ति है, और इनको आरसीडी डिवाइस कहा जाता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं इनको, तो आरसीडी डिवाइस कहा जाता है, आरसीडी रेड्यूशियल करंट डिवाइस। ये दो प्रकार की होगी, एक तो ईएलसीबी होता है और इसके अलावा इसको आरसीसीबी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है बैटरी लाइन में जो इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति वो किस में मापा जाता है, यानी कि बैटरी की इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति जो होती है उसको अपेक्षित घनत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी में मापा जाता है। अगला है दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य करने वाला बल, तो बल जो होगा ना वो m1 m2 r2, तो मतलब दूरी के वर्ग के क्या है व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला बैंड पास फिल्टर कौन सा होता है, तो बैंड पास क्या होता है, दो अलग अलग आवृत्तियां हैं उनके बीच में क्या करता है संकेत को भेजने का काम करते हैं, और एक बैंड स्टॉप जो होता है वो इनको रोकने का काम करते हैं। अगला स्टार सोजन में लाइन वोल्टता जो होती है वो क्या होती है, तो लाइन वोल्टेज क्या होगी अधिक होगी फेज वोल्टेज की, कितनी गुना होती है 3 गुना होती है। अगला वोल्टमीटर की प्रास को बढ़ाने के लिए क्या करो, तो वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए सीरीज में कुछ मान का क्या जोड़ा जाता है, रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, तो जिसको वर्धक भी कहा जाता है। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर क्या होगा, सी जो होगा राइट आंसर होगा, और इस वर्धक को जो यूरेका या मैग्नीन से बनाया जाता है। अगला है वायरिंग जो भवन निर्माण में क्रियान्वित हेतु अपेक्षित, यानी कि आपको घर में वायरिंग करनी है तो आप कौन सी करोगे, कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग करोगे, मतलब कंड्यूट पाइपें जो होगी, और कंसील्ड का मतलब क्या होता है दीवार के अंदर छुपा हुआ भाग जो होता है उसको कंसील्ड बोला जाता है, तो डी जो होगा आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। अगला है तीन फेज इंडक्शन मोटर में निम्न में से कौन सी मोटर जो है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, तो सिंक्रोनस मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, पहले रोटर को घुमा करके उसको क्या किया जाता है स्टार्ट किया जाता है। अगला निम्न में से कौन सा पैसिव डिवाइस है, पैसिव डिवाइस जो धारा वोल्टेज में किसी भी प्रकार से चेंजिंग नहीं करता केवल विद्युत ऊर्जा की खपत करता है, तो एयर कोर इंडक्टर होगा, इसके अलावा यहाँ प्रतिरोध भी दिया जा सकता है और संधारित्र भी दिया जा सकता था। अगला आई धारा वेरी है वी वोल्टेज है तो पावर है, तो पी बराबर क्या होता है वी आई होता है, तो इनमें से तो यहाँ कोई ऑप्शन है नहीं, तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपने, तो पी बराबर वी आई, यहाँ इसका क्या राइट आंसर होगा। अगला निम्न में से अग्निशामक यंत्र है उसमें आपको अग्नि से लगने वाली यानी कि इलेक्ट्रिकल अग्नि से लगने वाली आग को बुझाना है, तो आपको पता है कि यहाँ आप किसका इस्तेमाल करोगे, पानी का कर नहीं सकते, सोडा यहाँ नहीं किया जाता, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 युक्त क्या करोगे अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग करोगे। अगला इलेक्ट्रिकल परिपथ की कंटिन्यूटी की जांच करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ओम मीटर या मेगर मीटर का किया जाता है, तो यहाँ ओम मीटर राइट आंसर होगा। अगला किसी संधारित्र की धारिता किसके समानुपाती होती है, तो धारिता जो अगर अपने बात करें तो C बराबर क्या होगा एप्साइलन नोट A इंटू क्या होगा D होगा, तो यहाँ एरिया के क्या होगा क्षेत्रफल के क्या होता है समानुपाती होगा। अगला शुद्ध साइन वेव का फॉर्म फैक्टर पूछा है, तो ये सभी को पता होगा 1.11 होगा। तो दोस्तों ये कुछ 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हो सकता है आपके नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आपको मिले, और इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनको आपने पहली बार देखा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।